घुमक्कड़ी को नए अंदाज में जीने के लिए सब्सक्राइब करें ट्रैवल जुनून को। घुमक्कड़ी के इस सफर में हम साथ साथ चलेंगे और यकीन मानिए आपको बहुत मजा आएगा। पश्चिम में जब हिप्पी संस्कृति का बोलबाला था तो दुनिया भर में लाखों लोग महर्षि महेश योगी के दीवाने हो रहे थे। वे आज के दौर में मशहूर बाबा रामदेव और दूसरे योग गुरुओं से पहले की बात है। वो महर्षि महेश योगी ही थे जिन्हें योग और ध्यान को दुनिया के कई देशों में पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है। 5 फरवरी 2008 को महर्षि महेश योगी का नीदरलैंड स्थित उनके घर में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन अनुभवातीत ध्यान के जरिए दुनिया भर में लाखों अनुयायी बनाए थे। 60 के दशक में मशहूर रॉक बैंड बीटल्स के कई सदस्यों के साथ ही वे कई बड़ी हस्तियों के आध्यात्मिक गुरु हुए और दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गए। महर्षि महेश योगी का असली नाम था महेश प्रसाद वर्मा। महर्षि महेश योगी का जन्म 12 जनवरी 1918 को छत्तीसगढ़ के राजिम शहर के पास पांडुका गाँव में हुआ और उन्होंने इलाहाबाद से दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि ली थी। 40 और 50 के दशक में वे हिमालय में अपने गुरु से ध्यान और योग की शिक्षा लेते रहे। महर्षि महेश योगी ने ध्यान और योग से बेहतर स्वास्थ्य और आध्यात्मिक ज्ञान का वादा किया और दुनिया के कई मशहूर लोग उनसे जुड़ गए। ब्रिटेन के रॉक बैंड बीटल्स के मेंबर उत्तरी वेल्स में उनके साथ वीकेंड बिताया करते थे। आखिर इन्हें संत क्यों कहा जाता था? एक बार जब महेश योगी ऋषिकेश में बनाए गए अपने अत्याधुनिक आश्रम में थे तो बीटल्स के सदस्य हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे थे। हालांकि बीटल्स म्यूजिक ग्रुप का महर्षि योगी से जल्दी ही मोह भंग हो गया, लेकिन तब तक उनका साम्राज्य दिल्ली से अमेरिका तक फैल चुका था। जब वे अपनी प्रसिद्धि के शिखर पर थे तो कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि उन्हें संत क्यों कहा जाता है, और उनका जवाब था, मैं लोगों को ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सिखाता हूं, जो लोगों को जीवन के भीतर झांकने का अवसर देता है। इससे लोग शांति और खुशी के हर क्षण का आनंद लेते लगते हैं। चूंकि पहले सभी संतों का यही संदेश रहा है, इसलिए लोग मुझे भी संत कहते हैं। महर्षि योगी पर कई पुरस्कार जीतने वाली फिल्म बना चुके बीबीसी के यावर अब्बास ने एक बार ऋषिकेश स्थित उनके आश्रम में उनसे बात की थी। यावर अब्बास ने पूछा कि वे क्या कारण हैं और उनका ध्यान योग पश्चिमी देशों में बहुत लोकप्रिय है, लेकिन भारत में उन्हें मानने वाले ज्यादा लोग नहीं है। महर्षि योगी का जवाब था, इसकी वजह यह है कि यदि पश्चिमी देशों में लोग किसी चीज़ के पीछे वैज्ञानिक कारण देखते हैं तो उसे तुरंत अपना लेते हैं, और मेरा ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन योग के सिद्धांतों पर कायम रहते हुए पूरी तरह वैज्ञानिक है। नीदरलैंड्स स्थित उनका विशाल घर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। 90 के दशक में ब्रिटेन और यूरोप के चुनाव में नेचुरल लॉ पार्टी के उम्मीदवारों की बड़ी चर्चा रही, क्योंकि वे योग और ध्यान की बातें करते थे और महर्षि महेश योगी की मान्यताओं के करीब थे। बीटल्स ने 18 एकड़ में फैले अपने इस आश्रम में 3 महीने तक आध्यात्मिक एकांतवास की योजना बनाई थी, लेकिन उनकी योजना काफी अफरा तफरी की शिकार हो गई। आज यह आश्रम उन दिनों की भुतहा निशानी बनकर रह गया है। यह आश्रम नेशनल पार्क में स्थित है। अब यहाँ जंगली जानवर ही रहते हैं। अब यहाँ पत्थर और कंक्रीट की इमारतें उग आए जंगल झाड़ में से झांकती हुई दिखाई देती हैं, जिन पर घास फूस उगाई है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यह आश्रम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया था। यहाँ मेहमान हेलीकॉप्टर से आते जाते थे और यूरोपीय मॉडल के किचन में 3 वक्त का शाकाहारी भोजन दिया जाता था। महर्षि के अन्य मेहमानों में गायक डोनोवन और बीच बॉय माइक लव जैसी शख्सियतें थीं। बीटल्स के कलाकार यहाँ सूती पायजामा पहनते थे और जिप्सियों जैसे दिखते थे। महर्षि ने इन पॉप स्टार्स को अध्यात्म और ध्यान में पारंगत बना देने का वादा किया था। सरकार ने 1957 में आश्रम की जमीन को महर्षि को लीज पर दिया था, लेकिन 1970 के दशक के मध्य गुरु और उनके शिष्यों ने इस आश्रम को छोड़ दिया। निर्जन पड़े इस आश्रम को जंगल ने धीरे धीरे अपनी गोद में ले लिया। मुख्य गेट के घाट का कहना है, इस जगह को भगवान ने छोड़ दिया, लेकिन भक्त अभी भी यहाँ आ रहे हैं। महर्षि महेश योगी ने राम नाम की मुद्रा भी चलाई थी, जिसे नीदरलैंड्स ने साल 2003 में कानूनी मान्यता दी थी। राम नाम की इस मुद्रा में चमकदार रंगों वाले 1, 5 और 10 के नोट थे। इस मुद्रा को महर्षि की संस्था ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस ने साल 2002 के अक्टूबर में जारी किया था। नीदरलैंड्स के कुछ गांवों और शहरों की 100 से अधिक दुकानों में ये नोट चलने भी लगे थे। इन दुकानों में कुछ तो बड़े डिपार्टमेंट स्टोर श्रृंखला का हिस्सा थे। अमेरिकी राज्य आइवा के महर्षि वैदिक सिटी में भी राम मुद्रा का प्रचलन था। वैसे 35 अमेरिकी राज्यों में राम पर आधारित बॉन्ड्स शुरू किए गए थे।
एक रोचक किस्सा ये है कि बाबा उड़ना सिखाते थे। महर्षि महेश योगी इस बात के लिए सुर्खियों में आए थे कि उन्होंने अपने भक्तों को उड़ना सिखाने का दावा किया था। वे महर्षि योगी के ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का ही हिस्सा था। इसमें उनके भक्त फुदकते हुए उड़ने की कोशिश करते थे। फ्लाइंग योग को महर्षि ने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सिद्धि प्रोग्राम का नाम दिया था और इसे ध्यान चिकित्सा के तौर पर प्रायोजित किया था। महर्षि का दावा था कि फ्लाइंग योगा की उनकी थियोरी पूरी तरह से शोध के बाद विकसित की गई है। साल 2008 में जारी हुई उनकी संस्था से जुड़ी एक रिपोर्ट के अनुसार महर्षि महेश योगी ने 150 देशों में 500 स्कूल, दुनिया में 4 महर्षि विश्वविद्यालय और 4 देशों में वैदिक शिक्षण संस्थान खोल रखे थे। महर्षि महेश योगी का संगठन वैसे लाभ न अर्जित करने वाला संगठन था, लेकिन साल 2008 में रिपोर्ट के आधार पर उनके संगठन के पास 2 अरब पाउंड यानी तकरीबन 160 अरब रुपए की संपत्ति होने की बात कही गई थी। साल 2008 की 11 जनवरी को महर्षि महेश योगी ने यह कहते हुए रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी कि अब उनका काम पूरा हो गया है और उनका गुरु के प्रति जो कर्तव्य था वो पूरा हो चुका है।